क्रीडानो हव्यदातये नी होता सत्सि बर्हिषि ओ धीरेन बेटा पूजा में ध्यान दो, मोबाइल में नहीं। अबे अर्जेंट कॉल आया प्लीज। हेलो सूचे धीरेन, थोड़ी देर बंद रखना मोबाइल। पापा इस पूजा के लिए अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ बैठा हूँ, कम से कम फोन पे मैनेज तो कर लूँ चीजों को। हेलो एक मिनट, आपकी आवाज कट रही। पूजा चल रही है। हेलो अभी आ रही है आवाज? हाँ हाँ। नहीं नहीं, अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हो, आ जाएगा टाइम पे। अब मैं हूं ना आप। हेलो 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 हेलो। हाँ तुझे क्या लगता है हम मुंबई से वलसाड़ क्या मजाक करने आए हैं? देखो बेटा, बड़ी मुश्किल से तो जीतू काका की आत्मा को हम शांत किए हैं, अब थोड़ी सी नादानी के कारण सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। सॉरी पंडित जी, चलिए पूजा खत्म करते हैं। हाँ चलिए आइए। ऐसा कहा जाता है कि मरने के बाद आत्मा पितृलोक में जाती है और वहां उसे भोजन और जल नहीं मिलता, उसके लिए यहां पृथ्वी पर उसके रिश्तेदारों को तर्पण करना पड़ता है, नहीं तो पितरों को बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। ये कहानी है पाडलिया परिवार की, जिन्हें ये प्रथा ना करने पर बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। देखो राशि बेटा, अब तो तुम बड़े हो गए हो ना, अब मम्मी का ख्याल तुम्हें ही रखना है। और जो छोटा सा बेबी आएगा उसके साथ भी तुम ही खेलोगे ना। और जाओ बेटा मम्मी के पास जाओ। जय श्री कृष्ण फोई, केम छो? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हूँ शू कहू छू, श्राद्ध आमन छे धीरेन। अब बकुल भाई तो रहे नहीं, तो इस साल तुझे ही आना पड़ेगा सारी पूजा विधि करने। आप वही पता है, और आप टेंशन मत लो, आप विष्णु बाबा को बोल दो सब तैयारियां कर दें, हम टाइम पे पहुंच जाएंगे। चलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धीरेन तुम पागल हो गए हो क्या? है ये सब, मेरा 8 महीने चल रहा है और तुम ऐसी हालत में मुझे और राशि को यहाँ छोड़ के गांव में शादी करने जाना चाहते हो? What's wrong with you? Relax. तुम्हें सच में लगता है कि ऐसी हालत में मैं तुम्हें छोड़ के कहीं जा सकता हूँ? वो तो मैंने फोन पे बुआ जी को ऐसे ही हाँ बोल दिया था। अब बाद में बोल दूंगा, कुछ ऑफिशियल काम आ गया था या ऑफिस की मीटिंग थी अर्जेंट, और नहीं जाऊंगा। पक्का? एकदम पक्का। चलो अच्छा, इतनी अक्कल तो है तुम्हारे अंदर। संगत का असर है। अच्छा? मौत आज भी एक ऐसा राज है जिसे अब तक हम पूरी तरह से हल नहीं कर पाए हैं, और सबने अपनी अपनी समझ से मरने के बाद के अलग अलग विधि विधान बना रखे हैं। हमारे आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में अक्सर हम लोग इन चीजों को जाने अनजाने में नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हमें सदियों से चलते आ रहे अपने रीति रिवाजों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेरे परिवार के साथ जो हुआ वो हमारी इसी गलती की सजा थी। गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटा। इजी इजी। वैसे धीरेन, ये जीतू काका और श्राद्ध में कनेक्शन क्या है? तुमने मुझे कभी कोई पूरी कहानी ही नहीं बताई, और टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मैंने तुम्हारी फैमिली में देखा है कि
श्राद्ध को लेके तुम लोग इतना सीरियस हो? उसकी वजह है उमा, जीतू काका मेरे परदादा के भाई थे, उन्हें तंत्र मंत्र में महारत हासिल थी, लेकिन वो अच्छे थे। गांव वाले उनके पास मदद के लिए आते थे और वो सबको आशीर्वाद दिया करते थे। एक दिन उनके पास आशीर्वाद के लिए एक दिन पहले जन्मे बच्चे को लाया गया। अनफॉर्चुनेटली वो बच्चा मर गया। और गांव वालों को लगा कि उस बच्चे के मरने के पीछे उनके तंत्र मंत्र का हाथ है। ये सेम किस्सा 2 से 3 बार रिपीट हुआ और गांव वालों का शक यकीन में बदल गया। उन्होंने पीट पीट कर जीतू काका को मार डाला। और इतना ही नहीं, उन्होंने उनका श्राद्ध भी नहीं होने दिया और इसीलिए हर साल श्राद्ध के वक्त उनकी आत्मा हवेली में आकर आतंक मचाने लगी। तो फिर मेरे दादाजी ने श्राद्ध के दिन एक विशेष पूजा का आयोजन किया और हर साल वो पूजा करते रहे। उनके बाद पापा ने कंटिन्यू किया और इस साल पापा नहीं रहे तो वो पूजा मुझे करनी होगी। वेल, कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। एनीवे, मैं बहुत थक गई हूँ। आई थिंक आई शुड स्लीप। राशि, मैं देखता हूँ क्या हुआ है। तुम आराम करो। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। बेटा क्या हुआ, क्या हुआ? अच्छा पापा वो उधर है। कोई भी नहीं, कोई नहीं। शायद तुमने सपना देखा होगा बुरा। क्या हुआ राशि को? नहीं, शायद इसने कुछ सपना देख लिया बुरा, बहुत डर गई है। बेटा ठीक हो? कुछ नहीं, तुम टेंशन मत लो, बिल्कुल ठीक है। तुम जाओ, तुम आराम करो, मैं हूँ यहाँ इसके साथ। अब कोई डर नहीं है, पापा यहाँ साथ में है ना। पता नहीं क्या हो गया डॉक्टर साहब, रात तक तो एकदम ठीक थी, पता नहीं सुबह से बहुत तेज बुखार है। हाई फीवर है। जितना जल्दी हो सके आप ब्लड टेस्ट करवा लीजिए और रिपोर्ट्स मुझे जितना जल्दी हो सके भिजवा दीजिए। जी, थैंक यू डॉक्टर। जय श्री कृष्ण भाई। जय श्री कृष्ण डिकरा। राशि की तबीयत केम छे? आपको कैसे पता कि राशि की तबीयत ठीक नहीं है? अरे बेटा, आज सुबह सुबह मुझे सपना आया जिसमें जीतू काका बहुत गुस्से में थे और वो बोल रहे थे कि तू गांव नहीं आ रहा पूजा करने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि राशि तभी ठीक हो सकती है जब तुम पूजा करने के लिए इधर गाँव में आओगे। उमा को कैसे बताऊं? उसे फूई की बातों पर यकीन नहीं होगा और मैं उसे ऐसी हालत में टेंशन नहीं देना चाहता। क्या हुआ? पापा, वो अंकल आए थे। और उन्होंने बोला ये सब आपकी वजह से हो रहा है।
जब से हमने वलसाड़ जाने का फैसला लिया है इसका फीवर कम हो गया है। That's great. वैसे तो मैं ये सब बातें नहीं मानती लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? God knows. Strange world, strange thing happens in it. आओ। ठीक हो? I'm okay. अब मैं कंफ्यूज हो गया। मतलब? आगे से राइट लेना है कि लेफ्ट लेना है? अरे हाँ, वहाँ पे चाय की दुकानें हैं, उसको पूछता हूँ। भाई साहब, पडालिया हवेली जाने का रास्ता कौन सा है? पडालिया हवेली? यहाँ से दो राइट लेकर लेफ्ट ले लेना, 2 किलोमीटर होगा यहाँ से। शुक्रिया। अब तुम यहां श्राद्ध के लिए आ ही गए हो तो तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। लेकिन तुमने जन्म होने वाले बच्चे के बारे में कुछ सोचा है? इस गांव में जन्म लेने वाला बच्चा 24 घंटे के अंदर मर जाता है। इस श्राप के बारे में तो तुम्हें मालूम ही होगा ना? क्या हुआ, रास्ता नहीं पता चला क्या? नहीं, पता चल गया। You okay? हाँ, I'm fine. Ouch! तीरन, ऐसे क्यों ड्राइव कर रहे हो? ठीक से ड्राइव करो। ये साधु? कौन सा साधु? अरे तुम्हें साधु नहीं दिख रहा, ये देखो। अरे कहाँ गया? वो रहा, वो देखो, ये रहा साधु। ये कौन सा साधु? मुझे कोई साधु नहीं दिख रहा। ये वही साधु है जो तू चाय की दुकान पे मेरे साथ बात कर रहा था। चाय की दुकान पर तो कोई साधु था ही नहीं। तीरेन, क्या हो गया है? तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। फाइनली पहुंच गए हम हवेली। पता नहीं क्या हो गया तुम्हें, इतना अजीब सा रिएक्ट कर रहे हो। अगर राशि की चिंता नहीं होती तो कभी नहीं आती मैं यहाँ। राशि बेटा उठ जाओ, आ जाओ। अरे आओ आओ आओ, आजा आजा आजा। कैसी है बेटा? अरे कैसी हो? अच्छी हूँ बेटा, अच्छी हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रणाम करो। अरे नहीं नहीं नहीं, देखो तो इरेन, इसे देखकर लग ही रहा कि इसे इतना तेज फीवर था। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन धीरेन, तुझे उमा को इस हालत में यहाँ नहीं लाना चाहिए था। पूजा में तुम्हारी जरूरत, बहू की नहीं। आप क्यों टेंशन ले रही है? डिलीवरी में और 1 महीना बाकी है। हाँ। मुझे मत सिखा। बहू की हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे 2-4 दिन में कभी भी डिलीवरी हो सकती है। और तुझे मालूम है इस गांव का? हाँ, वही पता है कि गांव में हॉस्पिटल नहीं है ना, जानता हूँ। आप टेंशन क्यों ले रही है? इनको आराम करने दीजिए ना, अब जो सफर करके आए थक गए होंगे। जाओ तुम लोग फ्रेश हो जाओ आराम से। नहीं, हम दोनों ठीक है, वो इतने टाइम के बाद मिली है, थोड़ी बातें तो करने दो। अरे करेंगे आराम से, बहुत सारी बातें करेंगे, हम कहाँ जा रहे हैं। और तबीयत खराब थी ना राशि की, उसको आराम की जरूरत है। जाओ जाओ तुम लोग फ्रेश हो जाओ। ठीक है ठीक है, आराम से। प्लीज उमा के सामने सारी बातें मत कीजिए आप, प्लीज।
तुझे पता है ना, इस गांव में कोई भी बच्चा पैदा होता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर मर जाता है। आप अब तक इन्हीं बातें, मुझे कुछ हुआ है, मैं इसी गांव में पैदा हुआ, कुछ नहीं हुआ मुझे, ये सब आपका अंधविश्वास है। धीरेन, मेरा जन्म तेरे नाना के यहाँ हुआ था और सालों से यहाँ ऐसा ही होता आया है। जब भी कोई डिलीवरी होती है ना तो गांव के बाहर होती है, और जब बच्चा एक हफ्ते का हो जाता है तभी इस गांव में लाया जाता है, और वो भी हवन और पूजा वगैरह करने के बाद, कुल देवी की, उनको शांत करने के बाद। बड़ा आया मुझे सिखाता है। ठीक है ठीक है ठीक है बुआ जी, ठीक है, हम कौन से ये ज्यादा रुकने वाले हैं, बस जैसे श्राद्ध खत्म हो जाएगा हम वापस चले जाएंगे। इधर भी है। क्यों नहीं होगी बेटा, ये घर ही उन्हीं का है। अच्छा धीरेन, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम लोगों के लिए खाना लगाती हूँ, ठीक है? जी फिर। ठीक है बेटा, फ्रेश हो जाओ। चलिए हम फ्रेश होंगे। चलो अभी बहुत रात हो गई, सो जाओ। आराम से, आराम से। हाँ चलो। अरे ये क्या हुआ? तुम बैठो, मैं देखता हूँ कैंडल्स कहाँ पर है। ठीक है। दर्द तो नहीं लग रहा आपको? मैं अभी आती हूँ। धीरेन, you
ये इतनी जोर से फूल खांस रही है क्या? अभी तो उन्होंने कहा था कि रात में आवाज नहीं करनी है। मैं देखकर आती हूँ। पंडित जी, क्या हम इस पूजा को एक ही बार में हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकते? फई, मैं जानता हूँ आपकी बातों को, लेकिन क्या हम जिंदगी भर इस श्राद्ध के वक्त इस पूजा के लिए बंबई से यहाँ पर आते रहेंगे? और ये कैसे पूर्वज हैं जो अपने ही बच्चों को परेशान कर रहे हैं? जीतू काकर के बारे में ऐसा उल्टा सीधा मत कहो, अगर सुन लिया तो बुरा मान जाएंगे। बाजू बहन, अगर हमें उनकी आत्मा को शांत करना है तो एक लंबी पूजा विधि करनी होगी, वो भी 3 दिन तक। ठीक है पंडित जी, आप कीजिए। ठीक है पंडित जी, मैं ये पूजा करने के लिए तैयार, लेकिन उससे पहले मैं उमा और राशि को बंबई छोड़ने जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि इन हालातों में उमा, राशि, ये मेरा होने वाला बच्चा यहां पर है। संभाल कर बेटा। हमें माफ कर दीजिए जीतू काका, अपने गुस्से को शांत कीजिए। धीरेन, हम वही करेंगे जो आप चाहते हैं, माफ कर दीजिए हमें। ये क्या, आखिर चाहते क्या? ये क्या चाहते ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर समझ गया हूँ कि वो ये नहीं चाहते कि उमा राशि घर छोड़कर बाहर जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उमा को हम यहाँ नहीं रोक सकते, बच्चा कभी भी हो सकता है। नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। बाजू बहन, हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है, हम जीतू काका को नाराज नहीं कर सकते। बस ये लो बेटा, ये पूजा का सामान बाजार से ले आओ। जाओ। मैं भी आता। मेरी बच्ची। आराम से, सॉरी। धीरे बेटा, इस आटे से घर के चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा बनाओ, ये सुरक्षा घेरे का काम करेगी और अशुभ शक्तियों को घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देगी। ठीक है, लेकिन आपने आज से पहले तो कभी ये करने के लिए नहीं कहा। हाँ, ये मैंने तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए किया है, इस वक्त उसकी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी भी हालत में उमा को इस घेरे के बाहर नहीं जाने देना, और मैं तुम्हें भी एक मंत्र देता हूँ, उसे मन ही मन पाठ करते रहना। जी।
आप लोगों को 3 दिन का सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक मौन व्रत रखना होगा। चलो। धीरेन, क्या हो रहा है ये सब? बस बहुत हो चुका, मुझसे और नहीं सहन हो रहा है। रिलैक्स, सिर्फ 3 दिन की तो बात है। जैसे श्राद्ध खत्म होगा हम घर चले जाएंगे वापस। धीरेन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर। सब कुछ बहुत अजीब है। प्लीज जल्दी वापस चलो। हम जाएंगे, पूजा कर लें। अच्छा आराम से। राशि को दवाई देने का टाइम हो गया है। तुम्हें कितनी मर गई आवाज। मैंने जीतू काका के हाथ में बच्चा देखा था, लेकिन उनके हाथ में बच्चा क्या कर रहा था? कहीं मेरे होने वाले बच्चे पर तो कोई खतरा नहीं?
मुझे सिर्फ एक बात समझ में आ रही है, जीतू काका को वश में करना बहुत जरूरी हो गया है। उनकी शक्तियां इतनी बढ़ती जा रही हैं कि वो सपने में भी आकर तंग करने लगे हैं। अब हमें हमारी कुल देवी शीतला माता का आवाहन करना होगा। इस गंगा जल को घर के हर कोने में छिड़कना होगा। चलो। ये दरवाजा बंद क्यों? फई, ये दरवाजा बंद क्यों है? दिख रहा है ये जीतू काका का कमरा है, ये हमेशा से बंद रहता है। फिर तो इसमें गंगा जल छिड़कना सबसे ज्यादा जरूरी। आप दरवाजा खोल दीजिए। गंगा जल छिड़को। तिरेन, ये वही कमरा है जो मैंने कल रात सपने में देखा था। वो जीतू काका को देखा था सपने में। ये वही कमरा है तिरेन। मुझे लगता है जीतू काका हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं। तिरेन, जल्दी से पानी छिड़को और बाहर आओ। क्या भूत भूत लगा रखा है तुमने? तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा भूत अंदर है। मैंने कहा था ना, इनका
कोई करेगा? आप लोग अपने फिकर नहीं कर सकते, तो उसमें मैं क्या करूं? मुझे लगता है अभी तुम लोगों को दूसरे तरीके से ही समझाना पड़ेगा। संभालो अपने आप को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो पूजा शुरू करते हैं। बैठ डिग्री, मैं राशि को लेकर आती हूँ। बैठ। ओम अग्न आया हि वीतये गृहाणो हव्यदातये निहोता सत्सि परहिषि। अब पूजा समाप्त होती है। अब मैं चलता हूं। आज आखिरी रात है, तुम सबको बहुत संभल कर रहना होगा। और हाँ, ये पितृ प्रसाद की लिस्ट है उमा, इस प्रसाद के बिना पितृ प्रसन्न नहीं होते। चलता हूं मैं। प्रसाद के लिए आधा सामान तो है ही नहीं, धीरेन से मंगवाना पड़ेगा। कि धीरेन कहाँ चला गया, उसे पुकार भी तो नहीं सकती। ये दरवाजे कैसे लॉक हो गया? उमा को भी आवाज नहीं दे सकता, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है उमा को लेबर पेन स्टार्ट हो गया, फोन को बुलाना पड़ेगा। वही वो उमा को बच्चे के बारे में कुछ सोचा है? तुझे पता है ना, इस गांव में कोई भी बच्चा पैदा होता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर मर जाता है। हेलो पंडित जी। हेलो पंडित जी, उमा को लेबर पेन शुरू हो गया है और वही में काका की आत्मा आ गई है और भी उमा के कमरे की तरफ जा रही है, प्लीज कुछ कीजिए। तुम चिंता मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ। प्लीज कुछ कीजिए पंडित जी, पंडित जी प्लीज। इतने सालों बाद
आखिर वो वक्त आ ही गया, अब ये बच्चा मेरी प्यास बुझाएगा। बच्चे को ले जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं रोकूंगा तुझे। बहुत 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 मैं तुझे बच्चे को मारने दे रहा हूँ। पहले भी लोगों ने मुझे अपने बच्चों के कातिल बनकर मुझे दोषी बना है। अब इस बच्चे से बचाकर मैं अपने आप को निर्दोष साबित करके ही रहूंगा। फिर उस रात जीतू काका की आत्मा ने हमें खुद बताया कि उन सब बच्चों की मौत के पीछे उस राक्षस का हाथ था। जीतू काका निर्दोष थे, लेकिन फिर भी आज भी हम हर साल की तरह वलसाड़ जाकर अपने पैतृक घर में श्राद्ध करते हैं, किसी डर के कारण नहीं, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा के लिए।